जब अब मैं राम को अपने टेंट पे देखती थी हमको बहुत उकरना आता था। ये ठंडक में गर्मी का कैसा एहसास ले रहे हैं आप लोग? तो सबसे पहले जैसी आराम करता हूँ क्योंकि उनसे मैं अपना अभिवादन करना भूल गया था। तो आपको दिखाने वाले लता मंगेशकर चौक को, लेजर लाइट का जो शो मैंने देखा वो सबसे बेहतरीन था। खुश हो गया है यहाँ। क्या बात है, श्री रामचंद्र भगवान की। बिल्कुल पास से हमने दर्शन किए, बिल्कुल जस्ट पास ही बैठे। हम लोग राम नगरी अयोध्या में हैं और इस समय शाम के करीब 7:30 बज रहे हैं और आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि लता मंगेशकर चौक है और लता मंगेशकर चौक की इस ठंडी में गर्माहट आप देख सकते हैं किस प्रकार से, रात्रि के समय भी इतने लोग यहाँ पर इकट्ठा है, देख सकते हैं किस प्रकार से हल्ला गुल्ला भी चल रहा है। लोग जो है कि उस राम नगरी में राममय हो गए हैं, पूरा सराबोर हो चुके हैं और उस प्रकार के राम 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 का उद्घोष भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आइए इधर भाई साहब जी। देखिए ये अयोध्या के ही रहने वाले हैं और जन्म से ही अयोध्या रह रहे हैं। बिल्कुल जन्म से ही हम अयोध्या। कैसा ये ठंडक में गर्मी का कैसा एहसास ले रहे हैं आप लोग अयोध्या में? ऐसा अपना परिचय बता दें। मैं हूँ अच्युत कुमार दुबे अयोध्या धाम से, और अयोध्या में जैसा कि आपने पूछा अयोध्या में ये गर्मी ठंडी में भी गर्मी का क्या एहसास है, तो अयोध्या में जो अनवरत विकास की धारा तो बही रही है और साथ ही साथ हम अयोध्या वासियों को लगातार सौगात पे सौगात मिलते जा रहा है, तो उसी का ये देन है कि हम लोग को ठंडी में भी जो है गर्मी का एहसास इस प्रकार से मिल रहा है। और सभी दर्शकों को तो मैं सबसे पहले जैसी आराम करता हूँ क्योंकि उनसे मैं अपना अभिवादन करना भूल गया था, और इसी प्रकार से निरंतर अयोध्या में विकास की धारा बह रही है। आप लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं कवर करना इस चीज को, देश दुनिया में विस्तृत रूप से पहुंचा रहे हैं। अयोध्या को कहा जाए तो पूरे राष्ट्र के, पूरे विश्व में, पूरे दुनिया भर पे प्रस्तुत किया जा रहा है, तो एकदम मन आह्लादित हो जाता है और खुशी से खिल उठता है। क्या बात है। देखिए अच्युत भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे जो कि अयोध्या नगरी से बिलोंग करते हैं। थोड़ा सा हम इस चौक को आपको दिखाने वाले हैं, लता मंगेशकर चौक को, क्योंकि इसमें भी काफी आप देख रहे हैं कितना सजावट के तौर सजाया जा रहा है, और पहले हमने यहाँ का एक वीडियो किया था तो उसमें ऐसी तब्दीली नहीं थी, लेकिन इसमें तमाम ऐसे परिवर्तन होते, प्रतिदिन कुछ ना कुछ यहाँ पर नया परिवर्तन होता आपको दिखाई दे रहा होगा। चले आइए पास से हम उस चीज को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। चूंकि आज इसको फूलों से भी सजा दिया गया है, आप देख पाएंगे किस प्रकार से इसको फूलों से सुसज्जित भी कर दिया गया और लाइटिंग वगैरह तो आप देख ही रहे हैं। थोड़ा सा और, कहाँ से आए हैं सर आप लोग? हम MP से आए हैं। अच्छा, हाँ जी। ऐसा लग रहा है अयोध्या में आकर, श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि में हम आए हैं आज, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जब मैं रेलवे स्टेशन से उतरा तब लगा कि राम जी की जो अयोध्या नगरी जन्मभूमि है इसी चरणों की धूल मेरे माथे पे लगा लूं। क्या बात है, बहुत मतलब की सनातन धर्म का जो ये आज ये प्रतीक, ये जो कह सकते हैं कि पूरी धुरी केंद्र बन गया है अयोध्या नगरी, तो यह आगे गदगद हो गए। चलिए दर्शन हुआ आपका? जी हमने दर्शन भी किया। अच्छा। और अभी सरयू घाट की आरती भी ली हमने। अच्छा। और आरती के बाद जो यहाँ का सबसे बड़ा चीज जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बात करें जिसकी, तो यहाँ जो है लेजर लाइट का जो शो मैंने देखा। अच्छा। वो सबसे बेहतरीन था, इतना इम्प्रूवमेंट हो चुका है यहाँ। घाट को देखो या यहाँ की इतनी सुंदरता को देखो, आप देख सकते हैं अभी हम जहाँ लता मंगेशकर चौराहे पर है यहाँ फूलों की सज्जा से वातावरण देखने नहीं बन रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कोई शादी सा माहौल हो गया है? शादी सा क्या, शादी तो कहीं नहीं लगती है। ये माहौल ऐसा लग रहा है कि आज मेरा भारत देश, मेरा ये सनातन धर्म हिंदू धर्म आज जैसे दुल्हन की तरह सज गया। ये परिवार से ही आपके लोग हैं सभी लोग? जी ये परिवार से हैं, या मेरी धर्मपत्नी है। क्या आप, क्या नाम हुआ आपका? पूजा चौहान। आपको क्या लगता है यहाँ पर आने के बाद कैसा लग रहा है अयोध्या नगरी में? इससे पहले भी आगमन हुआ या पहली बार आए? नहीं, हम पहली बार आए हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब दिल खुश हो गया है यहाँ। क्या बात है। अभी फिर इसके बाद अभी रहना होगा या फिर जाना है? यहाँ का लौर है हम। अच्छा। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि श्री रामचंद्र जी की जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तो उस स्वर्ग में हम, राम जी की जन्मभूमि में है, यानी स्वर्ग में आ गए हम। इससे बड़ी बात कोई होनी नहीं चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग रतलाम से आए हैं। अच्छा। रहने वाले हम गोरखपुर पे हैं, पर अभी थोड़ी उसकी वजह से मतलब मैका वगैरह ये सब रतलाम है। अच्छा। तो उसके लिए पहली बार आप अयोध्या या इससे पहले भी आ चुके हैं? फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा, कितना मतलब कैसा लग रहा है अयोध्या में आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन वगैरह हो गया है? बिल्कुल पास से हमने दर्शन किए। अच्छा। बिल्कुल जस्ट पास ही बैठे थे हम सब, किसी प्रकार की कोई दिक्कत का तो सामना नहीं करना पड़ा? कोई दिक्कत नहीं। चलिए मतलब आप देख सकते हैं कि कहां कहां से लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं,
कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग मैम कहाँ से आए हुए हैं? गोरखपुर से आए हैं। गोरखपुर से, चलिए बाबा की नगरी से आए हैं। बाबा की नगरी से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले से तो बहुत ही बेहतरीन हुआ। अच्छा, है पहले भी आप अयोध्या आ चुके हैं? परिक्रमा में भी आते हैं, वैसे भी आते हैं, हम लोग हमेशा आते रहते हैं, लेकिन पहले से इतना अच्छा लग रहा है। पहले इतनी गंदगी रहती थी रोडों पे, आज तो देख के मन इतना खुश है कि प्रभु जी धन्य है। नाम क्या हुआ आपका? मेरा शशिकला दुबे। शशिकला जी, आपका क्या नाम है? मेरा पूनम सिंह। आप कहाँ से आई हैं? मैं अयोध्यावासी। अयोध्यावासी हैं। कितना परिवर्तन नजर आ रहा है आपको? मंदिर तो बन ही रहा है, लेकिन बाहरी प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो कितना परिवर्तन अयोध्या में नजर आ रहा है? बहुत बदला है, मैं ये देख के एकदम भावुक हो जाती हूँ। हमारे जब अब मैं राम को अपने टेंट पे देखती थी, हमको बहुत उकरना आता था, अब हमारे राम जी निकल के महलों में जाएंगे, हम लोग को बहुत आनंद। लोग कह रहे हैं कि मतलब उनको अपना घर मिल गया है। वैसे तो भगवान कड़कड़ में व्याप्त हैं, कुछ लोग ऐसा कमेंट भी कर रहे थे, लेकिन अब तो है। हाँ। तो हर व्यक्ति के, हर पत्ते में, हर जानवर के अंदर सब में प्रभु जी हैं, लेकिन एक उनका आने का एक अलग है, वो है उत्साह है। योगी जी की कृपा है जो ये मतलब इस तरीके मेरे प्रभु को अपने महलों में बैठा। चलिए एक बार जाए, यकीन नहीं था कि मतलब कभी भी ऐसा दिन आएगा हम लोग के लिए। चलिए, मतलब लोगों को कह रहे हैं कि विश्वास नहीं था, 72 सालों तक टेंट में रहे। और के महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, देखिए तमाम जो लोग हैं। अयोध्या स्वर्ग बन गया है, क्या बात है। चलिए, मतलब लोगों के परिवर्तन हमेशा से आती रही है, तो अयोध्या के डेवलपमेंट को भी देख रहे हैं, क्या बात है। देखिए महाराज जी भी जुड़े हैं। क्या नाम हुआ महाराज जी आपका? परिचय आप बताएं। जुगल किशोर बैरागी जी। जुगल किशोर बैरागी, जिला राजगढ़, ग्राम माचलपुर, एमपी से आया हूँ। क्या बात है, एमपी से चलकर अयोध्या आए? पहली बार आए मानो, इससे पहले भी आए? पहले नहीं, पहले हम आए थे बानू में। अच्छा, प्रतापगढ़ से वापस चले गए थे। अच्छा, कार सेवक बनकर आए थे। अच्छा, उसके बाद कसम खाई थी, तो आज हमारा सपना पूरा हुआ। जो उस टाइम बलिदान हुआ था, वो बलिदान आज सफल हुआ। जहाँ मोदी जी आ रहे हैं, जयकारा हो जाए। जय श्री राम के उद्घोष से पूरा चौक जो है गूंज चुका है। क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर निर्माण के लिए? राम मंदिर निर्माण के लिए यही कहना चाहेंगे कि सभी को मर्यादा में जीना सिखा दिया, और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम राम किसको कहते हैं? राम जो मर्यादा में, राम हर घर में, राम हर गांव में, राम जो मर्यादा में रहेगा वो राम होगा। भगवान कहते हैं ना कि वो तो भगवान था यार, देवता बराबर आदमी था। जो मर्यादा में रहता है, जो कानून में रहता है, जो सभी को अपना चाहता है और छोटे से बड़े का ध्यान रखता है, बस वही मर्यादा पुरुषोत्तम। पार्टियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी पार्टी कुछ नहीं करेगी, मोदी जी और योगी का कुछ नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने काम इतने बड़े बड़े कर दिए। 370 हटा दी, कितनी बड़ी बात कर दी कि कश्मीर हमारा हो गया। अभी एक महाराज जी का हम वक्तव्य सुन रहे थे, उनका कहना था कि श्री राम जन्मभूमि का जो प्राण प्रतिष्ठा है, रामनवमी के दिन होना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये सरकार जो है 2024 का लाभ लेने के लिए इतना जल्दीबाजी में प्राण प्रतिष्ठा करा रही है। देखो, ये तो जो समय निकला होगा, जो समय निकला होगा और जो मुहूर्त निकला होगा, उस मुहूर्त के लिए कर रहे हैं। उनको तो करना ही था, ये तो शुभ कार्य है। क्या शुभ कार्य है? क्या शुभ कार्य को तो कभी भी कर लो, और जब तिथि मिति मिल गई तो काम करना ही है। क्या बात है, मतलब तिथि मिल जाए तो काम हो जाना चाहिए। शुभ कार्य में देरी क्या? शुभ शुभ कार्य में किसी बात की देरी नहीं होना चाहिए, बस। अच्छा, ये पहले कुछ भजन, हाँ आइए, ये पहले ही बन गया होता। आइए इधर, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप कहाँ से? थोड़ा सा अपना परिचय आप बताएं। जी, यहाँ से हम 60 किलोमीटर दूर बबनान के रहने वाले हैं। क्या नाम है? अभिषेक कुमार नाम है, दीपू के नाम से जानते हैं। इस बार सभासद का चुनाव भी जीते हैं हम। जी, क्या बात है, प्रतिनिधि के तौर पर भी जाने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये कह रहा हूँ, ये मंदिर तो और पहले निर्माण हो जाना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट का फैसला आने में देरी रह गई। नहीं, ये मंदिर जब पहली सरकार मोदी जी की बनी थी, उसी वक्त बन के खड़ा हो गया होता, क्योंकि बहुत ही अच्छी उनकी सोच है। हर गरीब को किस तरह समझता, उनको हक किस तरह मिलना चाहिए, इस पर भी ध्यान रखते हैं। गरीब लोगों को किस तरह आवास की जरूरत है, हर चीज जानते हैं, क्योंकि वो परेशानी अपना देख चुके हैं। और ये राहुल गांधी जो आज कह रहे हैं, विपक्ष में बैठे हुए हैं, ये हमेशा क्या जानेंगे उस गरीबी का हाल, क्योंकि हमेशा ये सीधा मखमल के गद्दे पे ही सोए हुए हैं, मखमल के गद्दे पे ही बैठे हुए हैं। और मोदी जी वो परेशानी देखे हुए हैं, अपने माता जी के साथ बर्तन भी मांजे हैं साथ में बैठ करके, तो उसके नेतृत्व में हमारा भारत है और बहुत ही आगे जाएगा। और युवाओं की जिस तरह इनकी युवाओं को आगे ले जाने की एक
वो है बहुत ही अच्छी सोच है इनकी। आने वाले समय में जैसे आज अमेरिका और देश भी हुआ करते हैं, भारत उनको भी पीछे छोड़ेगा अगर नेतृत्व मोदी जी और भाजपा सरकार में रही तो। जय जय श्री राम, श्री राम। तो देख पा रहे हैं जो चौक है वो पूरा श्री राममय हो चुका है और प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा तो होने ही वाला है। और ठंडक के इस दिन में जो है गर्मी का एहसास जो है लोग दिला रहे हैं चौक को, क्या बात है, लग रहा है हाँ। गर्मी का वही भाई हम कह रहे हैं कि ठंडक के इस मौसम में गर्मी का एहसास। यहाँ रामलला का जो उद्घाटन हो रहा है 22 जनवरी का जनवरी फरवरी सबसे ठंडा मौसम होता है, हमको ठंड नहीं लग रही है, हमको गर्मी लग रही है। उनका इतना उत्साह है हमें कि बस हम उनके देखने के लिए और उस उद्घाटन के लिए दीवाने हो रहे, पागल हो रहे जा रहे हैं। और पागलों को कभी ठंड नहीं लगती, भूख नहीं लगती, बस उनको देखना है और रामलला का उद्घाटन देखना है। आप कहाँ से आए हुए हैं? सत्यनारायण तिवारी, जिला गोंडा, थाना खरबूपुर, ग्राम सभा अयोध्या। चलिए, कब आगमन हुआ अयोध्या में? आज 2 दिन होगा। अच्छा, अभी भूखे हैं? अभी भूखे? हाँ, भूखे नहीं है, अघान हन दर्शन कर कर रामचंद्र जी का। अच्छा, राम जन्मभूमि का क्या बात है, कुछ कहिए राम भक्त जो कि देख रहे हैं आपको, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ। बहुत अच्छा का काम है और फिर से दीपावली मनाया जाएगा। हाँ, और भी तमाम लोग हमारे साथ जो है सबका राय हम लेने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए, कहाँ से आए हैं आप जो है? मेरा नाम सोभी सिंह है, सीतापुर से आया हूँ। क्या बात है, वाराणसी सीतापुर से? नहीं, सीतापुर, सीतापुर से लखनऊ के पास। चलिए, कितने दिन? कहना ये चाहते हैं कि जो मंदिर की बात है, मंदिर बहुत पहले बन गया होता, पिछली सरकारें जो रही हैं उन्होंने रुकावट किया है। और जैसे ही हमारे आदरणीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो जैसे आए, उन्होंने इस पे काम किया और ये सरकार से बहुत हम खुश हैं और अयोध्या एकदम भगवानमय हो गया है। बहुत बहुत खुश है, एकदम दिल गदगद हो गया हमारा। चलिए, तो रुकेंगे या फिर जाने का प्लान है? बिल्कुल रुकेंगे, आज रात बिल्कुल रुकेंगे। चलिए जी, रात्रि का भी व्यू देख करके जाएंगे। और देखिए, आप देख पा रहे हैं पूरी तरह जो है कि जो चौक है वो राममय हो चुका है। थोड़ा सा अगर हम इस व्यू को आपको दिखाना चाहें, थोड़ा धर्म पथ है और सामने आप देख सकते हैं कि किस प्रकार सूर्य की जो छटा है वो सूर्य स्तंभ से देखने को मिल रही है। और जैसा कि हम लोग आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे, 10 लता मंगेशकर चौक पर 20 जो है सूर्य स्तंभ बनाए जा रहे हैं, उसी में से 10 जो है कि आपके राइट साइड के जो सूर्य स्तंभ है वो जल रहे हैं। और इसके बाद जो एंट्री गेट है वहाँ पर भी जो है कि 20 जो सूर्य स्तंभ है वहाँ पर भी बनाए जा रहे हैं। चलिए, तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए और अयोध्या से लगातार अपडेट हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।